कोरोना वायरस से महाराष्ट्र के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना के काल चक्र में महाराष्ट्र फंसता चला जा रहा है। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामले में न सिर्फ देश में नंबर वन है, बल्कि इकलौता राज्य है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 3699 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। कोरोना के इन कुल केसों में से 3205 केस एक्टिव है और 300 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 194 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। दूसरी तरफ दिल्ली में भी कोरोना के संक्रमण का मामला बढ़ रहा है। राजधानी में कोरोना वायरस के अब तक 1729 मामलों में 1640 एक्टिव केस है। कोविड-19 महामारी से जहां 38 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 51 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1462 हो गई है। इनमें से 1267 केस एक्टिव है। यहां इस महामारी से 15 की मौत भी हो चुकी है और 180 पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। न्यूज 24 रिपोर्ट।